वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मैं सोते हुए रोते हुए धोते हुए नहीं गाइस, नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ और दोपहर को मैंने आफ्टरनून में सोने की कोशिश की थी बट मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। और मुझे पता था आज का शिफ्ट है तो मुझे सोना चाहिए था बट मैं सो नहीं पाई बिकॉज मैं दूसरे कामों में बिज़ी थी, क्योंकि मैं अपने प्रोफाइल्स पे काम कर रही थी और यूट्यूब के कमेंट्स के रिप्लाई भी कर रही थी और एक वीडियो भी बनाया है, अपलोड किया है। सो गाइस, आज का दिन अब तक कैसे गुजरा बताती हूँ मैं। जैसे आई मैं, आकर मैं, मुझे लगा ये 3 फ्लोर का कैरो में, मुझे लगा मुझे फर्स्ट फ्लोर मिलेगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में मैं कर चुकी हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं एक बार कर चुकी हूँ तो मुझे लगा कि दोबारा भी मिलेगा। आज मैं उम्मीद कर रही थी बट नहीं मिला। मोस्टली मुझे टॉप फ्लोर मिलता है, सेकेंड फ्लोर जो कि टॉप फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर मिलता है जिसमें सब रेसिडेंट ऐसे मोटे 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 हैं जिनके एक एक पैर एक हाथ उठाने के लिए 4 लोग लगते हैं। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ बट ये सच है। और जब भी मैं टॉप फ्लोर पर जाती हूँ मैं बहुत थक जाती हूँ और मेरी शक्ल ऐसे रोने जैसी हो जाती है। गाइज ऐसा नहीं है, देखो मेरे को नींद आ रही है क्योंकि मैं सो ही नहीं। और गाइज बिना मेकअप के तो शक्ल सब, मुझे नहीं लगता ऐसा ऐसी कोई खूबसूरत हूर होगी जो बिना मेकअप के अच्छी लगती होगी। लड़कियां मोस्टली यूट्यूब पर मैंने देखा है कि लड़कियां मेकअप वगैरह इतना सारा लगा के यूट्यूब वीडियो बनाती है। मेरा भी टाइम आएगा गाइज, मैं भी मेकअप लगा के वीडियो बनाऊँगी, थोड़ा टाइम दो। यहाँ पे काम करियर बोलते ना कि खाना बना के खाने का टाइम नहीं है, मेकअप कब लगाऊं। बट पक्का मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी मेकअप लगा के एकदम मस्त अच्छे से बन के आऊं। मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ फ़ोटोज़ है जहाँ पे मैंने मेकअप करके डाले हैं, आप वो देख सकते हो। मेकअप में मैं ठीक ठाक लगती हूँ, बिना मेकअप के ऐसे रोते धोते हुए लगती हूँ। देखो मेरे को पसीना छूट रहा है गाइस, UK में भी पसीना छूटता है क्योंकि केयरहोम के अंदर नॉर्मली हीटर्स होते हैं पेशेंट्स को वार्म रखने के लिए, तो हीटर सब चालू रहते हैं रात भर, तो उसकी वजह से यहाँ पे गर्मी होने के चांसेस हैं। तो मुझे भी गर्मी हो रही है बिकॉज ऑफ दैट। और जब मैं आ रही थी तो मैंने 4 लेयर के कपड़े पहने थे, तो आप समझ जाओ कि टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट, केयरहोम का एक टी शर्ट, तो ऐसे 3-4 टी शर्ट पहनेंगे तो ऑब्वियसली गर्मी तो होगी अंदर। और प्लस देखो इतने गर्मी में हम लोग ऐसा पानी पीते हैं, बर्फ़ वाला पानी मैं पीती हूँ यहाँ पर क्योंकि इतनी गर्मी होती है अंदर, गर्म बहुत है। और बाहर से जब आऊँगी तो इतनी ठंडी लगेगी और अंदर आते ही गर्म होने लगता है, तो मैं नॉर्मली ठंडा पानी पीती हूँ अंदर के रूम में। एंड मैं आई, मुझे टॉप फ्लोर मिला, सेकेंड फ्लोर एक राउंड तो हो गया है पैड चेंज का, मेरे आराम से दुख रहे पता है, इसलिए बी केयरफुल गाइस। आने से पहले मैं बैठी थी, आके 1-2 घंटे मेरा काम कुछ था नहीं, फिर 1 घंटे का काम था पैड चेंज का, 1 घंटा मैंने एक राउंड किया सीनियर केयरर के साथ, फिर उसके बाद वापस से अभी मेरा ब्रेक टाइम है तो अभी आधा घंटा ब्रेक है, फिर उसके बाद फिर से 2 घंटे वापस से मुझे जाके 1-to-1 करना, मतलब एक पेशेंट का ध्यान रखना है, फिर उसके बाद फिर से पैड चेंज राउंड आएगा, फिर से पैड चेंज करना है। तो मतलब बैठ बैठ के अब नाइट लोगे ना तो नींद ही आएगी आपको, क्योंकि कुछ काम तो करना नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर एक घंटे में आप अपडेट कर रहे हो पेशेंट की डिटेल्स। ओके सो आपको मेरा शक्ल देखे ऐसा लग रहा नहीं आज कि मुझे नींद आ रही है या तो फिर मैं रो रही धो रही हूँ? नहीं, आज नहीं लग रहा होगा बिकॉज मैं अवेक हूँ बिकॉज मैंने अभी जस्ट मेरी ग्रीन टी पी है एंड आफ्टर ग्रीन टी मुझे बहुत फ्रेश लगता है, आई फील लाइक एनर्जेटिक एंड फ्रेश। तो मैं ग्रीन टी साथ में लेकर घूमती हूँ पैकेट, जब भी मेरा मन करता है मैं पी लेती हूँ। तो यस, और ठंडा पानी भी बॉडी के पानी पीते रहना चाहिए काम पर कहीं पर भी हो, ये सबके लिए है। तो अभी हो गया, फिर उसके बाद अभी 1-2 बजे का जो पैड चेंज राउंड रहेगा उसके बाद फिर सुबह 4 बजे का वापस एक पैड चेंज राउंड रहेगा, फिर उसके बाद सुबह 7 बजे फिर और रेसिडेंट को वॉश के लिए लेके जाना है, उनको वॉश देना है।
वॉश सभी को नहीं देना होता, बहुत कम लोगों को वॉश देना होता है, डिपेंड उनके मतलब कहते ना कि क्या प्रॉब्लम है उनको उसके ऊपर। सब लोगों को वॉश देना नहीं होता है, शावर वॉश ये सब अलग अलग टाइप के हैं। मैं बनाऊंगी वीडियो इन पर, शावर क्या होता है, वॉश क्या होता है। तो गाइस ये केयर होम का आज का अपडेट है। जैसे आज का मेरा दिन 15 फरवरी, तो यस आज वेनसडे है। कल सुबह की मेरी 9 बजे की क्लास है, तो मैं 8 बजे निकलूँगी यहाँ से, 8:30 बजे मैं पहुँचूँगी बस पोर्टस्मिथ सिटी सेंटर में। फिर वहाँ से मैं चल के यूनिवर्सिटी जाऊँगी, बराबर 9 बजे पहुँचूँगी, 9 से 10 एक घंटे की क्लास है। फिर 10 से 1 बजे तक, 2 बजे तक फ्री हूँ मैं, फिर 2 से लेके फिर से 4 बजे तक मेरी क्लास है। तो फिर शायद मैं वो 10 बजे के बाद आके घर पे आके फ्रेश हो जाऊँगी, या फिर हमारी एक ग्रुप स्टडी है जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में बात करना, डिस्कशन करना है, तो वो एक होगा। फिर उसके बाद देखते क्या होने वाला है। अगर हुआ टाइम तो मैं घर आके फ्रेश होके फिर से जाऊँगी, या तो फिर इधर से फ्रेश होके फिर मैं कॉलेज चली जाऊँगी, ऐसा भी है। सो गाइस स्टूडेंट की लाइफ जितनी दिखती है उतनी ईजी होती नहीं है। महीने में 10 दिन में 1 शिफ्ट मिल रही है, वो तो छोड़ ही नहीं सकते। कॉलेज तो वैसे अटेंड करना ही है, तो एडजस्ट हो रहा है तो कर रही हूँ मैं, अदरवाइज क्या करेंगे, कॉलेज करेंगे या तो काम करेंगे, ऐसा हो रहा है। सो गाइज आप देखो सोचो क्या करना है। केयर होम का अगर स्पॉन्सरशिप मिल रहा है तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि केयर होम का काम नहीं होगा, हो जाएगा आपसे, बस आपको पसंद आना ज़रूरी है और कुछ नहीं। दैट्स इट गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करो वीडियो मेरा।